शिवराज शिवराज सिंह चौहान तो कहते हैं कि कहां के मामा हैं वो तो बोलते हैं कि तुम लोग भांजे हो सब लोग भांजे हैं भांजे हाँ तो भांजे डूमल रहा तो मामा ऐसे सड़क में बैठा रहा नहीं कल एक किसान का ट्रैक्टर यहाँ से जा रहा था इसी तरह जल भरा था उसको जरूरी था जाना वो गया है रास्ते में उसका ट्रैक्टर बंद हो गया है अच्छा। अब उसके ट्रैक्टर में 10,000 की खर्च आएगी कल अपने आप बिस्तर में लौटन ला गए अब देखने लगे की अब जब न्यूज गई तब देखी हमका की हाँ अब अभी का बनवावे का है कहाँ है सरकार निपुर गई है इस तरह से चाचा पार कर रहे हैं तो क्या होगा कुछ नहीं होगा इनको 4 लाख मिलेगा कि नहीं कुछ मिलेगा? भी नहीं मिलेगा कुछ नहीं इनके परिवार में अकेले इनके परिवार में ये अकेले हैं यही मुखिया हैं कौन जाएगा इनके पीछे क्या मजबूरी है वहाँ हमारे घर हैं सब लड़के बच्चे हैं वहाँ सब भूखों मर रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही लगभग 4 पंचवर्षीय हो गए लगातार बीजेपी की सरकार आ रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही देखिए यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है जनता में एकता नहीं है कोई भी जनता अगर 10 बंदा खड़ा है तो पहले तो देखते हैं कि सत्ता का कोई नेता तो नहीं सत्ता का कोई आदमी नहीं अगर सत्ता के आदमी हो तो 8 उधर जाएंगे 2 बचेंगे और वो 2 भी खुल के नहीं बोल सकते वोट पाने के बाद सब बदल जाते हैं चुनाव के पहले आपके पास ऐसे मिलेंगे कि लगता है कि आपसे अच्छा कोई है ही नहीं इनका कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो पार करते हुए बह जाते हैं बांस में तो लाशें ले जाते हैं हाँ तो वही मिल लियो कि अब का है मले यहीं जब हमारे पास कैसी लाश जीता है उन्होंने कैसे लियो ना नहीं विकास आता है उनका कहना गलत नहीं विकास आता है लेकिन विकास कब आएगा जब चुनाव आएगा आज भी हमारी स्थिति क्या है आप खुद देख रहे हैं पूरा का पूरा रास्ता है जो पूरा जलमग्न हो चुका है सरकार खुद ही खा लेती है देख सकते हैं कि गाय के लिए भूसा लेने के लिए अफसर के ऊपर साइकिल गई क्या किसी दिन मर गए तो क्या होगा भाई आपकी जिम्मेदारी तो आप अपने हिसाब से करो हाँ, विधायक जी थोड़ी ना बोलेंगे नहीं रोड मत बनाओ सड़क मत भाई विधायक जी तो तैयार हैं वो तो चाहते हैं कि विकास हो हमारे क्षेत्र का अरे भैया कहाँ जा रहे हो रुको 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 कहाँ जा रहे हो यार कहाँ घर है आपका तुम आपको पता नहीं है ये नदी आप पार नहीं कर सकते अब क्या करें मजबूरी है फिर करना पड़ेगा क्या मजबूरी है वहाँ हमारे घर हैं सब लड़के बच्चे हैं वहाँ सब भूखों मर रहे हैं तो जाना तो पड़ेगा ही जाएंगे अगर कुछ हो गया तो तब क्या जिम्मेदार होगा क्या करें फिर अब मजबूरी है जाना और तो ये पड़ेगा सड़क है कि नाला है नाला है ये फड़क नाले के ऊपर सड़क है नाले के ऊपर ही फड़क है कितने सालों से ये परेशानी है आज बहुत दिन से करीब 25 साल 25 साल मतलब 5 बार आप लोग विधायक चुन चुके हैं इस क्षेत्र से और 5 बार आप सरकार बना चुके हैं इस प्रदेश की जी यस सर और देश की भी 4-5 बार बना चुके हैं यस जी कोई बदलाव क्यों नहीं आया यहाँ पे वोट पाने के बाद सब बदल जाते हैं क्या करें ये बताइए कि यहाँ पर पानी जब भरता है और ज्यादा तो लगभग कितना और ऊंचाई पर कितने ऊंचाई पर बहुत ज्यादा टूट जाते हैं सब लोग यहाँ कितने घंटे इंतजार करना पड़ता है 6-7 घंटे दिन भर भी लग जाते हैं तो त्योथर में आकर तर जाओ है ना युवा है 4 लोग मर गए एक मकान गिर गई इसी बाढ़ के कारण अभी हाल में 24 घंटे के अंदर वादे तो बहुत होते हैं लेकिन काम तो होता नहीं लगभग 4 पंचवर्षीय हो गए लगातार बीजेपी की सरकार आ रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही रपटे में भी यहाँ के लोगों ने काफी ऑब्जेक्शन किया लेकिन नेताओं और जो प्रतिनिधि हैं उनकी अनदेखी के कारण ये नहीं बन पाया तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं जो इतना भारी जल भराव की स्थिति पैदा होती है लगभग कितने एकड़ कृषि भूमि जो है तो इस पानी की भेंट चढ़ जाती है ऐसे तो लगभग 1000 एकड़ भूमि इस पानी से हमारी नुकसान होती है फसल हर वर्ष की बात है शासन के आंकड़ों में क्या उसका कोई मुआवजा कभी तय होता है कोई मुआवजा नहीं सरकार कहती है कि बीमा कराइए लेकिन ग्राउंड पे ना कोई करने वाला आता है ना कोई बताने आता है केवल कागजों में कार्रवाई होती है 4 महीने पहले से हम लोगों ने कलेक्टर से लेके SDM तहसीलदार सबको इसका ज्ञापन भी दे रखे हैं कल भी परसों भी हम लोगों ने डायरेक्टली भी दे रखा है हम इसकी कार्रवाई करते रहते हैं लेकिन आगे वो खुद देख के चले जाते हैं अनदेखी करके अभी हमारे साथ ये भी एक किसान हैं इन्होंने अभी ये पूरा का पूरा रास्ता पार किया हम थोड़ा सा अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि ये पूरा दिखाएं एक बार तो इनके कहीं ना कहीं कहें कि गले तक जो है तो पूरा का पूरा पानी इस जगह से निकल रहा था कुछ लोग ऐसे भी होते होंगे जो पार करते हुए बह जाते होंगे कि लगभग 40 साल से यही हालात देख रहे हैं आज भी हमारी स्थिति क्या है आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से जल निकासी क्या करना चाहिए दूसरी नई पुल का निर्माण होना चाहिए अच्छे से पूरा का पूरा रास्ता है जो पूरा जलमग्न हो चुका है या फिर कहें कि रोड की ही चोरी हो चुकी है 9 लाख रुपए से बनाया गया रपटा था 20 साल पहले 9 लाख रुपए आप समझ सकते हैं कि आज से 20 साल पहले 9 लाख रुपए की क्या वैल्यू होती थी क्या कीमत होती थी शायद आज की तुलना करें 2 करोड़ रुपए की सरकारी राशि से ये जगह बनाई गई है
जो आप देख सकते हैं, किसी भी वक्त कोई भी डूब सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, और बदले में लोगों को, परिजनों को 4 लाख का मुआवजा मिलेगा। लड़ने वाला आदमी नहीं होगा तो हमें मुआवजा नहीं मिलेगा। अगर सही आदमी हमारे पास नहीं होगा तो हमारा जो हमारी जो फाइल है वो एकदम नीचे रख दी जाती है, दब जाती है। तो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, उसमें भी कमीशन देना पड़ता है। सही बात है। जैसे ही पता चल गया मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वालों को, पास करने वालों को, कि इसका या तो इंश्योरेंस क्लेम है या इसको कुछ मुआवजा मिलने वाला है जो मर गया, जी जी देख सकते हैं। उसके बच्चे अगर भले ही इतने बड़े हों, जी, अगर ये जाएंगे कि सर हमारा, हमारे डैडी का या पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र दे दीजिए, हमको जरूरत है ना, जी जी, तो इनसे रिश्वत मांगा जाएगा, पैसा मांगा जाएगा, जबकि इनको एक पैसा नहीं लगता है। उचित में इनको सब कुछ जो हमारी मृत्यु राशि हो भी मिलनी चाहिए, पूरा प्रमाण पत्र इनको एक साथ में मिलना चाहिए। पर आज प्रमाण पत्र लेने जाएंगे तो राशि की तो बात छोड़ दीजिए, उसके लिए पैसा मांगेंगे इनसे। आप किसान हैं और सरकार के जो कृषि भंडार गृह होते हैं वो बहुत आसानी से भर देते हैं, जी जी। लेकिन क्या आपके घर की समस्याओं, आपकी गांव की समस्याओं को सुलझाने के लिए उसी भंडार से जो है तो 1 रुपए भी खर्च करने के लिए सरकार तैयार है? सरकार खुद ही खा लेती है। तो किस लिए जा रहे थे आप उस बार? गाय का भूसा ले। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। गाँव माताओं पर देश की पूरी राजनीति टिकी है, उसी प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, सरकारें बदल जाती हैं, विधायक और सांसद भी बदल जाते हैं, रीवा कांग्रेस मुक्त हो जाता है, और उसी गौ माता के अनाज के लिए, उसी गौ माता के भूसे पाने के लिए एक गौ सेवक जो भांजा है उसे अपनी जान जोखिम में डाल करके सर के ऊपर से पानी में तैरते हुए जाना पड़ता है। और ये किसी एक दिन की कहानी नहीं है, ये हर दिन की कहानी है, और ये कोई इकलौते भांजे नहीं है, ऐसे हजारों भांजे भांजिया इस रास्ते को पार करते हैं डेली। क्या किसी दिन मर गए तो क्या होगा? मामा जी, आपने कहा था कि जब मैं भांजे भांजियों से बात कर लेता हूं तो लगता है बैकुंठ में आ गया। आपको नहीं पता कि ये भांजे भांजियां आपके हर दिन इस बैकुंठ की वैतरणी को पार करते हैं, देख सकते हैं। गाय के लिए भूसा लेने के लिए सर के ऊपर साइकिल गई, ये स्थिति है। वैसे माननीय मामा जी को भी यहाँ पर आना चाहिए और अपनी फॉर्च्यूनर और जो 100 गाड़ियों का काफिला होता है उसको भी सर पे लेके जाना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी का काफिला अगर यहाँ से गुजरा तो उनकी फॉर्च्यूनर या जो भी मर्सिडीज बेंज वगैरह में आते हैं पार कर जाएगी? कभी नहीं पार करेगी। मर्सिडीज बेंज तो दूर की बात है, वो पैदल खुद नहीं पार कर सकते। मर्सिडीज बेंज तो किसी हालत में नहीं। कल एक किसान का ट्रैक्टर यहाँ से जा रहा था, इसी तरह जल भरा था, उसको जरूरी था जाना, वो गया रास्ते में, उसका ट्रैक्टर बंद हो गया है। अच्छा। अब उसके ट्रैक्टर में 10,000 की खर्च आएगी, उसका भरपाई कौन वो खुद करेगा? 4 एकड़ के किसान है, 10,000 का नुकसान हुआ। एड्स से ऐसे धोबा पार करके जाता था, हम लोग सुहागी पब्लिक सुहागी में पढ़ते थे तो इतना धोबा होता था, तो ड्रेस हम लोग उस पार रखते थे और एक इधर से कपड़े लेके आते थे और बैग कंधे पे रख के डेली जाना पड़ता था। क्या यही विकास है? नहीं, विकास आता है, उनका कहना गलत नहीं, विकास आता है, लेकिन विकास कब आएगा? जब चुनाव आएगा। अच्छा। चुनाव आने के पहले आपको प्रधानमंत्री का 6,000 रुपए मिलेगा, सबके यहाँ PMKVI मिलेगा, उज्ज्वला मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। चुनाव से याद आया मुझे, ये बरसात में चुनाव क्यों नहीं होते? बरसात में चुनाव नहीं होते क्योंकि उनका सॉलिड सा फंडा रहता है कि बरसात में बहुत सारी लोगों की समस्याएं हैं और लोग उनके पास जाएंगे। ये देखिए अब किस तरह से चाचा पार कर रहे हैं। तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इनको 4 लाख मिलेगा कि नहीं? कुछ भी नहीं मिलेगा। इनके परिवार में ये अकेले हैं, यही मुखिया हैं, कौन जाएगा इनके पीछे? देखिए यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है जनता में एकता नहीं है। कोई भी जनता अगर 10 बंदा खड़ा है तो पहले तो देखते हैं कि सत्ता का कोई नेता तो नहीं, सत्ता का कोई आदमी नहीं। अगर सत्ता के आदमी हो तो 8 उधर जाएंगे, 2 बचेंगे और वो 2 भी खुल के नहीं बोल सकते। चुनाव के पहले आपके पास ऐसे मिलेंगे कि लगता है कि आपसे अच्छा कोई है ही नहीं इनका, और चुनाव के बाद वही प्रतिनिधि ऐसे बदल जाते हैं कि उसके करीब अभी उस दिन तहसीलदार साहब आए थे, आपने वहाँ पे बाइट चलाया था पिछली वाली पुलिया पे, आपको जो SDO थे रोड विभाग के, उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम लोग तो लगे हैं साथ में, विधायक जी भी लगे हुए हैं। भाई आपकी जिम्मेदारी तो आप अपने हिसाब से करो। हाँ, विधायक जी थोड़ी ना बोलेंगे नहीं रोड मत बनाओ, सड़क मत। भाई विधायक जी तो तैयार हैं, वो तो चाहते हैं कि विकास हो हमारे क्षेत्र का। कोई भी विधायक नहीं चाहेगा कि इतने लोग इकट्ठा हो एक रोड के लिए और उनकी बुराई करें। अगर कोई घायल हो जाता है उसको कैसे यहाँ से लेकर जाते हैं? पैर में चोट लगती है, हम तो बनते नहीं बूढ़ा, कैसे लेके जाओगे? नहीं जा पाएंगे, अब नहीं जा पाएंगे, जाओ क्या? और अगर रोड बनी होती, पुल बनी होती तो जान बच जाती कि नहीं बचती? हाँ तो बच जाती। तो बननी चाहिए पुल की नहीं बननी चाहिए?
बननी चाहिए। सरकार कहाँ है? सरकार निपुर गई है। किसी ने सरकार को चोरी तो नहीं कर लिया, किडनैप तो नहीं कर लिया? किडनैप के करी है। सरकार अपने आप बिस्तर में लौटन ला गए, अब देख लगे की अब जब न्यूज गई तब देखी हमका की हाँ अब अभी का बनवा का है। बांस में तो लाशें ले जाते हैं। हाँ तो वही मैं लिया की अब का है मलिए यहाँ जब हमारे पास कैसी लाश जी था उन्होंने कैसे लियो ना। अच्छा ये बताओ सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे तो पढ़ाई होती थी? पढ़ाई तो होती है जब धोवा पार की जब जवाई नहीं करे तो कहाँ से पढ़ाई हुई। शिवराज शिवराज सिंह चौहान तो कहते हैं कि कहाँ के मामा है ही। वो तो बोलते हैं कि तुम लोग भांजे हो, सब लोग भांजे हैं। भांजे हाँ तो भांजे डूमर ला हाँ तो मामा ऐसी सरंग में बैठा रहा हाँ। देख नहीं सकते रहे हैं कि कैसे बाढ़ चल रही है कैसे क्या चल रहे देख नहीं सकते हैं। चार को घूम नहीं सकते हैं क्या? हमने एक मुहिम छेड़ी है कि ये जो पुल है इस पुल को बनवाना है और उसके लिए आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। हमारी लड़ाई ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है और इसको साथ में मिलकर ही लड़ना है। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। हम ऐसी समस्याओं को उठाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ बदलाव की इबारत लिखी जाए।